दोस्तों जापान के एक इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल रिसर्चर की टीम के साथ मिलकर साइबॉर्ग कॉकरोच बनाया। अब ये साइबॉर्ग कॉकरोच है क्या? बेसिकली दोस्तों इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ है। अब इसके वजह से रिमोट कंट्रोल हम इसको कर सकते हैं, इसकी लेग्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी मूवमेंट को हम पूरा अपने हिसाब से मेंटेन रख सकते हैं। अब ये एक कॉम्बिनेशन है, इसको हम पार्टली इंसेक्ट और पार्टली मशीन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब ये नॉर्मल कॉकरोच तो छोटा होता है, तो हमें थोड़ा बड़ा कॉकरोच चाहिए था, इसलिए इन्हें मदगास्कर कॉकरोच का यूज़ किया जो एक लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ कॉकरोच है। अब इसके बहुत से बेनिफिट हैं, जैसे मान लीजिए अर्बन सर्च करना है अपने एरिया के अंदर, रेस्क्यू करना है, एनवायरमेंटल रेस्क्यू करना है, ऐसे एरिया के अंदर इंस्पेक्शन करनी है जो ह्यूमन के लिए डेंजरस हो, तो ऐसे एरिया के अंदर हम इसको रिमोटली भेज सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो जहाँ पे हमारे लिए जाना मुश्किल हो तो वो सारी चीज़ें को ट्रेस किया जा सकता है। तो ये एक नया साइंस के अंदर एफर्ट है। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।